अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। आपने कॉर्न सूप तो बहुत ट्राई किया होगा, लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ यखनी और साथ साथ बटेर। ये इतनी क्वांटिटी में कहाँ से लेकर आते हैं, कब से लगा रहे हैं इस जगह पर? इनको 25 साल हो चुके हैं और यकीन करें इनका जो जायका है, इनका जो टेस्ट है, कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। और जो कराची में इन्होंने मुतारिफ कराया बटेर सूप, ये पहले वो शख्स इन्होंने मुतारिफ कराया, इसके बाद जगह जगह ये खुल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं सबसे पहले कब से कर रहे हैं काम? ये 25 साल हो गए हमको यहाँ पर लगाते हुए। और कहा जाता है कि सबसे पहले जो ट्राई किया था वो आप लोगों ने? जी हाँ, इंट्रोड्यूस हमने कराया 25 साल पहले, जब बटेर को लोग नहीं पहचानते थे, हमने इनको खिलाना बताना बताया अंडे बटेर ही क्यों, मतलब और बटेर के फवायद क्या है? ये सिर्फ बटेर के फवायद बहुत सारे हैं ना इसमें, ये नज़ला ज़ुकाम के लिए, सीना झगड़ा होता है उसके लिए, सांस वालों के लिए, फालिज वालों के लिए बहुत मुफीद। गर्म है यानी? जी हाँ, गर्म होता है, इतना गर्म नहीं होता कि आदमी रोज़ भी पिए तो फ़ायदे ही हैं, जैसे मछली के फायदे हैं इस तरह ये बटेर के फायदे हैं। मैंने पूछा कराची में कि सबसे अच्छा सूप कहाँ मिलेगा, लोगों ने यहीं का बताया, तो लोग हरमदा आ रहे हैं कराची से, कोने कोने से आ रहे हैं। फ्रेश बटेर लाते हैं ना इसलिए, फ्रेश बटेर, फ्रेश मसाले। ये फार्म बनाया था पहले मैंने, अभी तो ख़त्म कर दिया, मगर लोगों को करवा दिया दोस्तों को, ताकि वो हमें बटेर दे सकें। इतना सस्ता बटेर 100 रुपये का आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे पास मिलेगा क्योंकि हमारी प्रोडक्शन। अच्छा जी हाँ, अंडे भी मिलेंगे बटेर के, बटेर के अंडे भी? जी हाँ। और ये सूप आप दे रहे हैं, ये क्या हिसाब है, कितने का प्याला है? मुनासिब कीमत है, 40 रुपये की सादा यखनी है बटेर के साथ, 140 की अंडे वाली, 70 रुपये। पहले बताएं फर्स्ट टाइम आए या आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं? तकरीबन हम फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम सारी सुनी आपकी मीडिया से, फिर तो जबरदस्त है। अब मुझे बताएं कि कैसा था टेस्ट, जो सुना था वैसा ही है? जैसा सुना वैसी है। बटेर का सूप पहले कभी ट्राई किया? नहीं, फर्स्ट टाइम किया। फर्स्ट टाइम कैसा था? कहा जाता है कि दमे की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, सीना जाम हो, उसके लिए सुना है, फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कल सुबह तक कैसा लगेगी? छोटा सा वो तो बेचारा, उसका क्या अब इसके रिजल्ट इंशाल्लाह कल देखेंगे तो बताएंगे हम आपको इंशाल्लाह। बटेर नजर नहीं आ रहा आपका, खा गए? नहीं बटेर नहीं खाते, बटेर खाते ही नहीं हो, तो पहली बार आए हो यहाँ? खाते आते रहते इधर पीछे गली में रहते हो, तो कैसा जायका, कैसा है? मजे का है। और रश देख लो कितना हो रहा है अभी, तो जैसे अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो आएंगे बंदे रात तक। कितना रश हो जाएगा? बहुत। रोजाना आ रहे हो? कैसा है टेस्ट, कैसा है जरा बताया देखने वालों को? वीआईपी टेस्ट, वीआईपी बटेर, बटेर दिख नहीं रहा। बटेर हमने खा लिया, पहले हमने सूप खाया फिर बटेर खाया, उसके बाद फिर दोबारा यखनी ली, यखनी ली, आखिर में यखनी पीते हम। क्या फायदा है, सेहत के लिए फायदा है, कोई फील होता है या नहीं होता? ये फायदा है कि आप जैसे इंसान को जैसे सीने में बलगम हो या सीना खराब हो, सही है, या खांसी हो, उसमें बड़े मुफीद है। रिकमेंड करेंगे कि जिसको भी सूप का शौक हो तो वो यहाँ पे आके सूप पिए, बटेर का सूप और यखनी मिलता है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है यहाँ की। और यहाँ पे आपको बटेर भी मिलेगा, बटेर के साथ साथ बटेर की यखनी है, सूप है, पापड़ी वगैरह, अंडे वगैरह, सब चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त जायका है यहाँ का माशाल्लाह। हम तो तीसरे चौथी दफ़ा मैं आ रहा हूँ माशाल्लाह से, जब से यहाँ पे मैंने यहाँ ट्राई किया है, इसके अलावा मैं कहीं और नहीं जाता। बटेर की यखनी का सूप आपने पीना है तो अब्बासी शहीद अस्पताल है, उसके बिल्कुल साथ ही एक फाटक आता है, फाटक के साथ आपको ये मिल जाएगा। ये फैमिली हम इसका सेटअप लगाया हुआ है, यहाँ पे मर्द हजरात बैठते हैं और जो आने का जो बेस्ट टाइम है वो 7 से 8 बजे तकरीबन, अगर आप आ जाए तो आपको इस तरह का माहौल मिलेगा। अगर आप 10 से 11 बजे के टाइम आते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे कि लोगों ने कहा कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिलनी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई, इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा उस्मान को दीजिए इजाज़त और दिखते रहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।